इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ क्या कहती है, आप वरदायिनी हैं, वर देती हैं और पुरारी प्यारी हैं, भोलेनाथ आपको प्रेम करते हैं, प्रेम के लिए खपना बहुत पड़ता है। हो सीना ताने से प्रेम नहीं मिलता है, समर्पण से प्रेम मिलता है, मन के हिसाब से चलने से प्रेम बढ़ता है। मेरी माँ कैसी है? मैना मैया ने क्या कहा था, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव, ये धर्म है। पति धर्म स्वरूप है और स्त्री भक्ति स्वरूप है, इसलिए पति को ज्ञान कहा है। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पुरुष तत्व ज्ञान तत्व है, ज्ञान स्वरूप है और माताएं भक्ति स्वरूपा हैं। भक्ति को जैसे रहना, माताओं को रहना और ज्ञान को जैसे रहना, सभी वे पुरुष को रहना, ये जीवन है सनातन संस्कृति का। थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो। मेरी माँ कहती आप वरदायिनी हैं, शिव प्रिया है। अस्तु देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई तारे, मोर मनोरथ जान होने के, विचारा है वह सिद्ध समझिए। नारद जी की बात कभी रद्द होती नहीं, उन्होंने जो कहा पवित्र वचन कहा, सदा शुचि साचा सत्य होता है, वही वर मिलेगा जिसको मन में रच रखा है। कौन मनुजाही राचे वो मिले ही सो पर सहज सुंदर सहज हवा।
जिसको रच रखी है स्याजू वही मिलेंगे कौन, सहज सुंदर। हाँ, सौंदर्य कैसा हो, सहज हो, लिपा पोथी वाला ना हो। देखिए कितना सुंदर आशीर्वाद, और एक एक शब्द दर्शन करिए, सहज सुंदर स्नेह जानत, यही घटना है। तुम उसे प्रेम करो वो न तुम्हें प्यार करे, बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, जितना हम करते हैं उतना ही भगवान हमको प्रेम करते हैं। प्रेम अपना पूछो, आप करते हो कि नहीं, आप करते हो तो समझो भगवान भी करते हैं, आप जितना करते हो प्रतिशत में तौलते हो तो वो भी वैसा करते हैं। भगवान में हमारा प्रेम है कि नहीं, केवल हम बस ऐसे ही है। अच्छा, प्रेम है बताया ना जाए, प्रेम जताया भी न जाए, प्रेम को चेताया भी न जाए, प्रेम तो प्रेम है, अव्याख्य है ये। लेकिन माँ भगवती कहती है स्नेह जानत, क्योंकि करुणा निधान सुजान शील, इसलिए स्नेह जानत। वो करुणा के खजाना है, करुणा निधान है, सज्जन है, शीलवान है, इसलिए आपके प्रेम को जानते हैं, जितना आपका है उतना उनका है। माँ भगवती का आशीर्वाद पाकर सीता मैया गदगद हो गई हो। जान गौरियन को सिया हरषिन मंजुल मंगल माँ जानकी जी हमारी, उनके बामांग फड़कने लगे, गदगद हो गई, प्रसन्न हृदय राज सदन की ओर चली। प्रभु भैया जी पुष्प दल बेल पत्र लेकर आए, गुरुदेव भगवान के श्री चरण में रख दिए, गुरुदेव ने पूजा किया। वाटिका में विलंब क्यों हुआ, प्रभु ने सब बता दिया। जो कल पंक्ति, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही, छिपाने से सुंदर है बता देना। छिपाने में बड़ा तनाव है, कई लोग छिपाने में इतने बादशाह होते हैं कि वो दिन भर झूठे बोलते हैं। अब कोई झूठ बोलता बोलता, और जो बोलते हैं लोग वो यहाँ कुछ बोलेंगे, सरजू तट पे कुछ बोलेंगे, लक्ष्मण किला पे कुछ बोलेंगे, सुग्रीव किला पे कुछ बोलेंगे, विद्या कुंड पे कुछ बोलेंगे। अब जब बोलते बोलते अभी नहीं पता कि उनको क्या बोला था, उनको क्या बोला था, इसी में पकड़ा जाते। क्योंकि झूठ परिवर्तनशील है, सत्य परिवर्तनीय नहीं है। सत्य तो यहाँ रहेगा, वही किला में रहेगा, वही सुग्रीव किला में रहेगा, वही सिंहाराट में रहेगा, वही विद्या कुंड में रहेगा, वो अपरिवर्तनीय सत्य है। राम जी सत्य हैं, राम जी अपरिवर्तनीय हैं। कलयुग झूठ स्वरूप है, इसलिए हमको आपको भगत होने के नाते सत्य ही बोलना, जिससे दबाव न हो। क्षमा करिएगा, सिर में बहुत दर्द हो, अच्छा नहीं कहेंगे, नाराज हो जाएंगे लोग, ठीक नहीं, दबाव में न रहिए। ये प्रसंग कहता है दबाव में न रहिए, लादे न रहिए, हल्के फुलके रहिए, सहज रहिए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, क्या सफल मनोरथ हो तुम्हारे राम सुन भय सुख करि भोजन मुनि भर भी ज्ञानी। सांझ का 5 बजा तो लगे कहन कछु कथा पूरा। फिर कथा सुनने के बाद संध्या वेला, संध्या वंदन किया गया, बयारू आरती, भोजन और विश्राम। मिथिला में ये दूसरी रात्रि है।
करना तो धनुष भंग था, लेकिन प्रसंग बहुत बड़ा है, अस्तु राम जी की इच्छा है। अब कल हम लोग धनुष भंग विवाह एक साथ संपन्न करेंगे। आज की बेला यहीं विश्राम करते हैं, तब तक हरि नाम ले लीजिए, फिर सूचनाओं के साथ विदा लेते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम 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 विसर्जन याज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा रज राम चंद्र भगवान की, श्री युगल सरकार की, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की, मिथिला यवद सरयू धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, संत भक्त भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।